आज का वरदान अपने पन के अधिकार की अनुभूति द्वारा अधीनता को समाप्त करने वाले सर्व अधिकारी भव। आइए इस वरदान का स्वरूप बने। ओम शांति। पंच तत्वों से निर्मित इस स्थूल देह से देहिक संबंधों से भिन्न भिन्न प्रकार के लगाव झुकाव की सूक्ष्म रस्सियों से मन बुद्धि को निवृत्त करें। संपूर्ण ध्यान भ्रुकुटी के मध्य चमकते हुए निज स्वरूप पर मैं सत्य हूँ, मैं ये झूठी परिवर्तनशील विनाशी देह नहीं, मैं आत्मा अमर हूँ, अविनाशी हूँ। अनुभव करें स्वयं को, अपनी चैतन्यता को, अपनी शक्तियों को, अपने गुणों को मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, क्योंकि मेरा भाग्य स्वयं भाग्य विधाता शिव बाबा ने चमकाया है। जिस पल मैंने स्वयं को यथार्थ अनुभव किया, अपने बाबा को सच्चे बाबा को जाना, पहचाना, उन्हें दिल से स्वीकार किया, उनके प्यार को अनुभव किया, उनसे प्राप्त शांति परमानंद अतीन्द्रिय सुख को मैंने महसूस किया, उसी पल से मेरा पुरानी दुनिया से
दुनिया के संबंधों से, सब नाते टूट गए। मैं देह भान से ऊपर उठ गई, विदेही बन गई। दुनियावी परिस्थितियों और समस्याओं से, इस दुनिया की व्यर्थ बातों से मैं अप्रभावित हो गई। फील करें यह अलौकिक ईश्वरीय अनुभव। यह आंतरिक हल्कापन, ये भीतर का सच्चा आनंद, सच्ची खुशी, इसके समक्ष संसार के परिवर्तनशील संबंध कुछ भी नहीं है। अब पुराने संस्कार स्वभावों की स्व की अधीनता कमी और कमजोरियों की अधीनता स्वतः खत्म हो गई है। क्योंकि सर्वशक्तिमान मेरा हो गया है। अब हर जन्म में बदलने वाले संबंधों की अधीनता भी समाप्त हो गई है। क्योंकि मुझे जन्म जन्मांतर का माता पिता, बंधु सखा, शिक्षक स्वामी, सतगुरु मिल गया है। अब न प्रकृति ना ही कोई परिस्थिति मुझे अपने अधीन बना सकती है। क्योंकि स्वयं प्रकृति पति मेरा संसार बन गया है। और उसने मेरी स्वस्थिति को ऊंचा, इतना ऊंचा बना दिया है जो परिस्थितियां स्वतः नीचे छूट गई है।
अधीन हो गई है। फील करते जाएं, सब बंधन तोड़ते जाएं, निर्बंधन हो जाएं। स्वतंत्र पंछी की तरह ऊपर, बहुत ऊपर, बाबा के अति समीप आ जाए। और फील करें सर्व अविनाशी प्राप्तियों को, सर्व ईश्वरीय अधिकारों को, सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान को, गुणों की बरसात को, शक्तियों की रश्मियों को, जो मेरा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, अब मैं बाबा की और बाबा मेरा ओम शांति।